प्रदीप सिंह बाजिया एडवोकेट, रिटर्निंग ऑफिसर, जाट एजुकेशनल सोसाइटी। और ये मेरे साथी हैं अनिल स्वराण एडवोकेट, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, जाट एजुकेशनल सोसाइटी। आज की के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैटर ये है कि आज से 2 साल पहले कॉलेजियम का इलेक्शन हुआ था सोसाइटी का, लेकिन उसमें एक वार्ड में कुछ कुछ बोगस पोलिंग के आरोप लगे थे, और वो उन्होंने एक पेटिशन फाइल की थी स्टेट रजिस्ट्रार के पास। अब स्टेट रजिस्ट्रार ने एक इंक्वायरी कंडक्ट करवाई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से, तब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की परमिशन से डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने मुझे भी बुलाया था अलोंग विद रिकॉर्ड वार्ड नंबर 1 का, वो लेके गए थे। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब को एप्लीकेशन दी थी कि रिकॉर्ड सील था, रिकॉर्ड खोलने की परमिशन दी जाए। उन्होंने वहीं मौके पर परमिशन दी थी, रिकॉर्ड खोलिया गया, सील्ड रिकॉर्ड था वो खोलिया गया था। और वो इंक्वायरी करके डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट भेज दी थी स्टेट रजिस्ट्रार को चंडीगढ़, और उन्होंने ये सिफारिश कर दी थी कि ये यहाँ बोगस पोलिंग उस वार्ड में हुई है। तो स्टेट रजिस्ट्रार ने उस पर वार्ड नंबर 1 का इलेक्शन कैंसिल कर दिया और फ्रेश इलेक्शन के ऑर्डर जारी किए रिटर्निंग ऑफिसर यानी मेरे को, और साथ ही ये भी ऑर्डर किया कि आगे गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन भी इसका करवाया जाए एक्ट के अनुसार। तो उस पर मैंने आज मैं वार्ड नंबर 1 का फ्रेश इलेक्शन का और गवर्निंग बॉडी के इलेक्शन का के लिए इलेक्शन डिक्लेयर कर रहे हूँ, जिसमें वार्ड नंबर 1 का इलेक्शन है हमने रखे 5 मार्च का, पोलिंग 5 मार्च को होगी, और 18 फरवरी को जैसे नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे, फ्रेश इलेक्शन का ऑर्डर, इसलिए नॉमिनेशन दोबारा लिए जाएंगे उस वार्ड में, और उसके बाद 5 मार्च को पोलिंग होगी, और जो यही CR ला कॉलेज में होगी। और अगला शेड्यूल है जो गवर्निंग बॉडी के लिए, उसके लिए 26 मार्च डेट रखी है, 26 मार्च को पोलिंग होगी। और हाँ, 7 मार्च पब्लिकेशन है, नॉमिनेशन है उसके लिए 10 मार्च को गवर्निंग बॉडी के लिए। और गवर्निंग बॉडी का आपके इलेक्शन है, पुराने हमारा जो सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये था कि सिर्फ 4 पोस्ट का इलेक्शन होता था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। और नया जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंड हुआ, सोसाइटी ने जो अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उन्होंने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर के साथ 11 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का भी इलेक्शन है। तो उस ये इलेक्शन भी फिर 4 ऑफिस बेरर और 11 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का, 15 का इलेक्शन होगा गवर्निंग बॉडी का 26 मार्च को। जो 5 मार्च का इलेक्शन है आपने बताया, उसका रिजल्ट कब निकलेगा? 5 तारीख को, 5 तारीख को 4 बजे तक पोलिंग है, 4:30 बजे काउंटिंग करते हैं। 85 वोट है, 85 वोट है उसमें तो, और टोटल कॉलेजियम है 296। और इसमें एक और भी है, 4 कॉलेजियम जो 25 दिसंबर 2020 को कॉलेजियम का इलेक्शन हुआ था 296 कॉलेजियम का, तो उसमें 4 डेलीगेट की डेथ हो गई जो मेरे सुनने में आए। तो उसके लिए भी आज मेरे पास एक एप्लीकेशन आई है वार्ड नंबर 98 की भी उस डेलीगेट की डेथ हो गई है, इसके लिए इसका इलेक्शन दोबारा करवाया जाए, और एक डेथ सर्टिफिकेट भी साथ है। वो मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब को एक लेटर भी लिख रहा हूँ, साथ वो एप्लीकेशन भी भेज रहा हूँ ओपिनियन के लिए कि भाई इसमें अगर रजिस्ट्रार साहब ये कहते हैं, परमिशन देते हैं कि भी इनका भी इलेक्शन करवाओ, तो उनका इलेक्शन भी हम साथ ही 5 मार्च को ही करवा देंगे। पिछले इलेक्शनों में जो है बोगस वोटिंग हुई थी, तो क्या इस बार भी बोगस वोटिंग होने के चांसेस हैं, और उसे किस प्रकार आप रोक कैसे रोकेंगे? बोगस वोटिंग के लिए हम एक तो 2 ID
इस बार वोटर के लिए? एक तो जो सोसाइटी ने आई कार्ड बढ़ाए थे वोटर्स के पहले, एक तो बहुत ज़रूरी हो और साथ एक आईडी और हो, दो आईडी को देख के वोट डालने की परमिशन होगी और वीडियोग्राफी होगी, जो भी नॉर्म्स हैं इलेक्शन के वो सारे फॉलो। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेल ट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेल ट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।